वहीं हरियाणा में शुक्रवार देर रात कुंडली मनोसर पलवल एक्सप्रेसवे पर नहू के तावड़ू में श्रद्धालुओं से भरी बस में रात करीब 1:30 बजे आग लग गई। हादसे में 8 लोग जिंदा चल गए हैं, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक बुरी तरह से झुलस गए हैं। इनमें से 2 ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया है। वहीं घायलों ने बताया कि बस में 64 लोग सवार थे। ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं और पंजाब चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। वे मथुरा वृंदावन से दर्शन कर लौट रहे थे। चलती बस में आग की लपटें देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी, साथ ही खुद भी आग बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अभी आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने अधिकांश घायलों को नू के नलहड़ स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है।